हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी हेयर्स को ट्रांसफॉर्म करने जाने वाली थी और ये वीडियो है 29 जनवरी का और मैंने अपनी हेयर्स यहाँ पे इस तरह से अपना चेंज किया था। उसके बाद ये वाला वीडियो है 5 फरवरी की, यानी कि आज का डेट का, और आज मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ अपनी फ्रेंड के शादी में जाने के लिए। मैंने ये आउटफिट लिया था अपनी फ्रेंड के शादी में पहनने के लिए, लेकिन ये मैं घर से पहन के नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि मैं जाने वाली हूँ बाइक में। तो ये कपड़ा मैं लेके जाऊंगी, जो मैंने पहले पहना था वो पहन के जाने वाली हूँ। अभी हम लोग निकल पड़े, पहुंच गए आधा रास्ता। मुझे नहीं पता, सुदन को नहीं पता मेरा फ्रेंड का घर कहाँ पे है, लेकिन ऐसे इंस्ट्रक्शन में हम लोग जा रहे थे और उन लोग को सरप्राइज देने के लिए फोन भी नहीं किया था। और हम लोग पहुंच गए, इतना खराब रास्ता था, दो बार तो हम लोग बाइक से गिरे और बहुत खराब रास्ता के साथ साथ अपना कपड़ा भी बहुत खराब हो गया था, इतना धूल मिट्टी में गिर गए थे हम लोग। फाइनली इतना कष्ट करने के बाद हम लोग पहुंचने वाले थे अपनी फ्रेंड्स से मिलने, फ्रेंड्स के शादी में, और हम लोग पहुंच गए। और यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रूम एंड ब्राइड को बहुत प्यारे, बहुत सुंदर लग रहे थे और मुझे बहुत मज़ा आया इन लोगों के शादी अटेंड करके, और सरप्राइज भी हम लोग ने दे दी। फिर वापस आ रही थी और मैं सोच रही थी मेरे मन में कि एक लड़की का जिंदगी कितना ज़्यादा चेंजेस होती है ना, कभी दूसरे के घर में ऐसे शादी करके भी जाना पड़ेगा। ये बात को शायद मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मेरा शादी नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोग ना मेरा शादी से ज़्यादा ये रास्ता देखिए, कितना अंधेरा है यहाँ पे, ना कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे तैसे हम लोग निकल के एक ऐसी जगह पहुँच गए जो बहुत सुंदर था, ये था आई लव चिमनी, शायद ये चिमनी जगह है और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा चिमनी। बहुत सुंदर प्लेस है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। फाइनली हम लोग पहुँच गए टिम्बुर और यहाँ आके मुझे एक राहत मिली और यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म कॉफ़ी पिए। उसके बाद वापस आ गई और आने से मैं बहुत थक गई थी तो ऑब्वियसली सो गई ये ड्रीम कैचर को देखते देखते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।